ये सारी हैबिट्स उस फ्रेम में आती हैं। मेरी कम्युनिकेशन स्किल पहले इतनी अच्छी नहीं थी, अभी भी कोई खास नहीं है, लेकिन ये हैबिट्स हमें सिखाती हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर सभी आमिर, और आज जो बुक जिसके ऊपर बात करेंगे वो है द सेवन हैबिट्स ऑफ मोस्ट इफेक्टिव पीपल बाय कवि। तो सभी बताइए, ये किताब मैंने पढ़ी क्यों? मैं पहले आपको ये बता दूं कि कुछ अर्सा पहले मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तो एक लड़का हमारे साथ वैसे आके बैठ जा रहा था। मुझे उस लड़के से बहुत ज़्यादा चिढ़ होती थी कि इसकी आदतें मुझे अच्छी नहीं लगती थी। ठीक है, हालांकि था हमारे जैसे ही, हमारी उम्र में आपकी उम्र में जैसे लड़के होते हैं वैसे ही था, लेकिन पता नहीं उसकी आदतें कुछ ऐसी थी जो मुझे उसके उसकी महफिल से उठ के चले जाने को दिल करता था। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग अनंग होते हैं कुछ ज़्यादा ही। तो फिर मैंने सोचा कहीं मुझ में भी ऐसी आदतें तो नहीं हैं कि लोग मुझसे ज़्यादा अनंग होते हैं। फिर मैंने ये किताब पढ़ी, और इस किताब में मुझे सबसे पहले एक बात बता दी कवि ने कि अगर हम बायस्ड हैं ना, अगर हम अपने परसेप्शंस को चेंज नहीं कर सकते तो हमें अपना अगर हम अपने परसेप्शंस को चेंज नहीं कर सकते तो हम करेक्टर इवॉल्व नहीं कर सकते, हम अपना करेक्टर इवॉल्व नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, इसको इस तरह भी कहा जाता है कि अगर आप किसी के पास जा रहे हो और आप पहले से ये सोच के रखो ये चीज़ तो मुझे बड़ी अच्छी आती है, तो आप उससे क्या हासिल करोगे? उससे कुछ नया सीख नहीं सकेंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो किस तरीके से, क्या हैबिट्स हैं, थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन करो। इस किताब में सेवन हैबिट्स हमें बताई गई हैं। जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हैबिट है वो हमें डिपेंडेंस टू इंटरडिपेंडेंस से जाती है। सही है। और जो फिर फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ हैबिट है वो हमें इंडिपेंडेंस टू इंटरडिपेंडेंस से जाती है। इंटरडिपेंडेंस मतलब कि हम पहले इंडिपेंडेंस तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन फिर दूसरे जो एक लीडरशिप क्वालिटी होती है दूसरे आपके ऊपर डिपेंड करने लग जाते हैं। एग्जैक्टली। और जो सेवन्थ हैबिट है, जो प्रीवियस सिक्स हैबिट्स हैं उनके ऊपर मास्टरी हासिल करने के ऊपर है। ऑल राइट, यानी कि सबसे पहली जो आपने बताई तीन ऐसी हैं जो आपको एक चीज़ पर डिपेंडेंट होने से इंडिपेंडेंट बना देती हैं, देन इंडिपेंडेंट से आपको इंटरडिपेंडेंट बना देती हैं, लाइक लोग आप पर भी डिपेंड करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड देन इवेंचुअली सेवन्थ हैबिट ऐसी है जो आपको मास्टरी सिखाती है सारी हैबिट्स। ऐसा ही बिल्कुल। तो कोई मतलब आप रिलेट कर सको अपने किसी लाइफ टाइम एक्सपीरियंस से कि जिस तरह आपने बताया कुछ दोस्त ऐसे थे जिनसे आप चढ़ने लग गए सारी चीज़ें, तो किसी तरीके से हैबिट्स उस फ्रेम में आती हैं? ये सारी हैबिट्स उस फ्रेम में आती हैं। मेरी कम्युनिकेशन स्किल पहले इतनी अच्छी नहीं थी, अभी भी कोई खास नहीं है, लेकिन ये हैबिट्स हमें सिखाती हैं कि हम जब तक खुद को इवॉल्व नहीं कर सकेंगे, जब पहले तीन हैबिट्स के ऊपर हम अपना काम नहीं करेंगे तो हम आगे की फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ हैबिट के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे अपना। एग्जैक्टली, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप हमें इवॉल्व होना पड़ता है, अपना करेक्टर इवॉल्व करना पड़ता है, तभी जाके हम एक इफेक्टिव पर्सनैलिटी हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और जो पहली हैबिट इस किताब से जहाँ से शुरू किया है इसने, वो है प्रोएक्टिव होना। ऑलराइट। प्रोएक्टिव का मतलब ये है कि हमारे जो कोर वैल्यूज है ना, हमारी लाइफ हो या हो, हमारी लाइफ प्रिंसिपल बेस्ड होनी चाहिए। एग्जैक्टली। ना कि हम रिएक्टिव हों बहुत ज़्यादा, हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए उसके बदले, कि हम जज्बात के ऊपर, जज्बात में बहकर फैसले ना करें। तो आप मतलब इस बुक को पढ़ने से पहले आपने बुक पढ़ ली, तो ऑफकोर्स आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करती होगा अपनी ज़िंदगी में। ज़ाहिर है चेंज आते हुए टाइम तो लगता है, बट जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप इस बुक को पढ़ने से पहले प्रोएक्टिव थे या रिएक्टिव थे? मैं रिएक्टिव था, मैं शुरू से रिएक्टिव था। शुरू से ही रिएक्टिव थे? शुरू से रिएक्टिव था। गुस्सा भले ना आता हो मुझे, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती मैं चुप होकर मैं सैड हो जाता था। एग्जैक्टली, वो भी सम काइंड ऑफ रिएक्शन ही। मैं सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता था बहुत अच्छे तरीके से, अभी भी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करता हूँ कि उस सिचुएशन में खुद को डाल सकूं। एग्जैक्टली। तो आप अब आपने स्टार्ट कर दिया इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना अपनी ज़िंदगी के अंदर कि मैं प्रोएक्टिवली कोई भी सिचुएशन है उसको हैंडल करूं, बनस्बत इसके कि मैं कोई ऐसा रिएक्शन दूं जिसके माइट बी पॉसिबल इन सिटू क्या रिजल्ट्स हों, नेगेटिव भी हो सकते हैं, कुछ चीज़ों के पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ये हमारे स्टिमुलस होता है कि हर स्टिमुलस का अपना एक रिस्पॉन्स होता है। एग्जैक्टली। और इस बुक में बताया गया है कि और जो स्टिमुलस से रिस्पॉन्स है उसके बीच में गैप होता है। ठीक है। हमारी कैरेक्टर वैल्यू तब बनती है जब उस जो गैप है ना उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। महात्मा गांधी का एक डायलॉग भी है, मुन्ना भाई में भी आया था, संजय दत्त की जो मूवी है, कि अगर कोई आपको एक गाल पे थप्पड़ मारे अपना दूसरा गाल भी आगे कर दो। बिल्कुल। क्योंकि इसमें आपको वो फिर टाइम मिलता है अपने उस गैप को यूज़ करने का।
बिल्कुल वरना आप मेरा रिएक्शन क्या होगा, अगर आप मुझे अगर आप मेरा हम उम्र है आप मुझे थप्पड़ मारे मैं आपको रिएक्ट करके उस पर आपको थप्पड़ मार दूँ। बिल्कुल। लेकिन अगर मैंने अपना वो रिएक्शन कंट्रोल कर लिया तो मैं प्रोएक्टिव की तरफ चला गया। एग्जैक्टली। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी थ्योरी भी है जिसको हम कहते हैं कि बाय द टाइम, मतलब बाय द टाइम नहीं मतलब आप वक्त को खरीदो। कोई भी फैसला करने के लिए वक्त को खरीदो, वक्त को खरीदोगे आपके पास विद द पैसेज ऑफ टाइम मजीद ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं जो कि इवेंचुअली आपका बहुत बड़ा मसला फंसा होता है तो आप उसको हल कर पाते हो। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसी तरीके से आपको टाइम चाहिए होता है और वो टाइम आप या तो रिएक्शन देकर चीज़ को ख़राब कर सकते हो या प्रोएक्टिवली होकर उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। अगर हम प्रोएक्टिव हों तो फिर तो ऐसी सिचुएशन आनी नहीं चाहिए, मतलब बींग प्रोएक्टिव आपने सारी चीज़ों को ऑलरेडी हैंडल किया हुआ है, ठीक है। लेकिन रिएक्शन के अंदर भी अगर आप फ़ौरन रिएक्शन नहीं देते, थोड़ा सा टाइम स्पेंड रखते हो, टाइम को बाय करते हो, तो आपके पास सोचने का टाइम मिलता है, टाइम मिलता है जिससे आप जैसे डोपामाइन लेवल हमारा बहुत ज़्यादा हाई होता है, बिल्कुल तो वो भी कम हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारी फाइट एंड फ्लाइट इंस्टिंक्ट्स है ना, एग्जैक्टली वो कम हो जाती है, फिर हमें सोचने का टाइम मिल जाता है उस टाइम में। बिल्कुल बिल्कुल। और उस टाइम के ऊपर आप सोच के को फैसला कर पाते हो बनिस्बत इसके कि जिस बात में जो आपकी नेचर है, जैसी बेसिकली कोई बंदा एग्रेसिव है, कोई मतलब काइंड हार्टेड है, तो जो एग्रेसिव होगा वो काम को फिर ख़राब कर देगा। ऐसे काइंड हार्टेड भी बहुत सारे लोग काम ख़राब कर देते हैं। हाँ जाहिर सी बात है, मतलब ज़्यादा रहमदिल होना भी नुकसानदेह हो सकता है। तो ऐसा थोड़ी होता है कि अब आप मुझे थप्पड़ मारती रहो और मैं चुप होकर साइड में बैठे ही रहूँ, ऐसे नहीं होता। तो ऐसा भी नहीं होता, एक टाइम के ऊपर जाहिर है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक्य याद आ गया, जैसे कि सूरह हुदैबिया में जो वाक्य हुआ था, सारे सहाबा उस टाइम पर रिएक्टिवली काम कर रहे थे कि ये फैसला हमारे हक में नहीं है मुसलमानों के, हालांकि हम स्ट्रॉन्ग साइड पर हैं। बिल्कुल। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस टाइम पर प्रोएक्टिवली होकर सोचा कि नहीं, इसके आगे हमारे रिजल्ट्स क्या होंगे, जो इवेंचुअली मक्का फतह कर जाता है इन लोगों ने। तो जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है बेसिकली किसी भी मतलब एज एन कॉरपोरेट इन्वायरमेंट हो या आपके घर के फैसले हों या खानदान सिस्टम हो जो भी हो, तो उसके अंदर आप प्रोएक्टिवली अगर कोई अप्रोच यूज़ करते हो तो आप लॉन्ग टर्म फायदे उठा सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही है, रिएक्टिव काम खराब करेगा और रिएक्टिव लोगों को इतना भी पसंद भी नहीं करता। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है वो रिएक्शन ही ना होता है ना, रिएक्टिव को हम टोटली नेगेटिव नहीं ले सकते ना हर चीज़ में। नहीं रिएक्शन मतलब ये कि हमारे साथ किसी ने कुछ बुरा किया हो, हमारे डोपामाइन हमारे सारे केमिकल बॉडी में जो है वो इतने ज़्यादा हाई हो जाएँ तो हम उसके ऊपर रिएक्ट करके ना फैसला सुना। किसी ने हमारे साथ अच्छा काम किया तो हम बिल्कुल ही पागल होकर उसके गले लग गए। एग्जैक्टली। किसी ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की तो हमने कुछ भी नहीं किया उसको पकड़ के कूटने लग दिया। और ऐसे जज्बाती लोगों को कोई पसंद भी नहीं करता। तो अगर आप थोड़ा मोहब्बत करने वाले लोग तो कभी भी मतलब प्रोएक्टिव नहीं हो सकते। मोहब्बत की याद होती है, मोहब्बत ऐसी चीज़ मैं नहीं मानता कि कोई होती है, ये तो मोहब्बत में काम भी तो बहुत सारे खराब हो जाते हैं। तो इस बुक के अंदर कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करता हो, मतलब मोहब्बत रिलेटेड या जज्बात रिलेटेड, इमोशंस रिलेटेड? जज्बात रिलेटेड ये तक है कि ये अपने बच्चों की परवरिश के ऊपर इसने बात बताई थी कि एक बच्चा था इनका छोटा 14-15 साल का, ना वो पढ़ाई में इतना अच्छा था, ना उसको खेलने कूदने का शौक था, मैंने किसी भी फील्ड की ना दुनिया में किसी भी फील्ड में वो अच्छा नहीं था। तो उसके पेरेंट्स ने काम क्या किया कि उनके पास भी टाइम नहीं होता काम हो, सपने एक प्रोफेसर थे को भी वो प्रोफेसर जिनको टाइम नहीं मिलता था, अपने सारे सोशल लाइफ में बिजी होते थे, उसकी मदर भी उसके फादर भी अपने दोस्तों से ये डांट भी खाता था उनका बच्चा। तो ये लोग अपने बच्चे को हमेशा उस सिचुएशन में डालना शुरू कर देते जो उसके हिसाब का नहीं था, जो माहौल में वो एडजस्ट नहीं कर सके। बिल्कुल। तो उन लोगों ने अपना परसेप्शन चेंज किया और उसके लेवल पर आकर उन लोगों ने काम करना शुरू किया कि ये चीज़ों को सोचता कैसे हम इसके लेवल से खुद भी ग्रो हो और इसको भी ग्रो करें। तो ऐसे बच्चा भी तो ग्रो हुआ ना उस सिचुएशंस के हिसाब से, उसने फिर हैंडल करना सीखा चीज़ों को। आप अपने ऊपर रख के सोचें कि मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करता हूँ या मैं बहुत ज़्यादा दुखी आदमी, मैं आपके साथ बैठ कर अपने दुखों को देकर रोते ही रहता हूँ, आप मेरी एक दफ़ा मदद कर देंगे, दूसरी दफ़ा मदद कर देंगे, आप फिर मेरे पास भी नहीं आएंगे, कहेंगे यार ये अपने दुखों सुनाते ही रहते हैं 24 घंटे, इसके बाद क्यों जाए बंदा। यार अगेन मैं इसमें ये कहूँगा कि आप बायस होकर सोच रहे हो, अब बंदे की करेक्टर ही ऐसा है, इसमें आपकी क्या आपके क्या कसूर है? आपने अपने दिमाग में बायस बना लिया ना कि बंदे का करेक्टर ही ऐसा है अपना हमारा। अब डिपेंड करते हैं सामने वाले बंदे की अडेप्टेबिलिटी कैसी है, उसकी टॉलरेंस कैसी है, क्या पता उस बंदे को बार 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 डील करते रहे, मतलब अगेन हमें बायस नहीं रखना। हमें बायस नहीं, लेकिन आपको नहीं पता ना अभी कि आप
नॉर्मली मैं नॉर्मली लोगों का मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, मैं नॉर्मली लोगों का रिएक्शन बता रहा हूं, आप इसको क्वांटिफाई कर सकते हो कि ज्यादातर लोग एवरेज लोग ऐसे करते हैं। तो ये हो गई हमारी रिएक्टिव प्रोएक्टिव अप्रोच, तो वी शुड ऑलवेज बी प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव। एंड अब चलते हैं दूसरी हैबिट की तरफ, हैबिट की तरफ। और दूसरी हैबिट इस किताब में जो बताई है वो है कि बिगिन विद द एंड इन माइंड। अब जो कामयाब आदमी होता है ना वो हमेशा अपने सिचुएशंस को ना इमेजिन करके पहले से सोच लेता है कि मैं ये काम कर शुरू करने लगा हूँ तो इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। बिल्कुल, फिर हर उस कॉन्सिक्वेंस से निपटने का तरीका भी सोचता है कि अगर ये काम ऐसे करूँगा और फिर इसका ये एंड रिजल्ट होगा तो फिर जो रिजल्ट आएगा मैं उसके साथ उसको हैंडल कैसे करूँगा। बिल्कुल ऐसी है। ऑफ कोर्स अगर मेरे हिसाब में इसके अंदर जो कह रहे हैं बिगिन विद द एंड इन माइंड, मुझे जो समझ में आ रहा है एंड बेसिकली रेफर्स टू आपका क्या गोल है, क्या मकसद है किसी भी चीज़ को करने का। तो ऑफ कोर्स कुछ भी किया जाए चाहे वो कोई बिजनेस हो या कोई सोशल एक्टिविटी हो, आई मीन कोई रिलेशनशिप हो, इसका कोई गोल होना चाहिए, कोई एम होना चाहिए, कोई एंड होना चाहिए जिसको इवेंचुअली आपने अचीव करना है। तो बिल्कुल दिस इज़ ट्रू। और इससे रिलेटेड पावर ऑफ इमेजिनेशन भी बहुत प्यारी चीज़ है। दुनिया में हर काम जो हुआ है वो इमेजिनेशन की ही बेस पर हुआ है। एग्जैक्टली, इमेजिनेशन भी कह सकते हैं। लोग पहले गाड़ियों का क्या सोचते थे कि लोग सिर्फ ये सोचते थे कि हम यार इतना लंबा सफ़र है हम इसको इतनी जल्दी कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, उन्होंने अप्रोच क्या बनाई कि उन्होंने गाड़ियाँ बनाई, उन्होंने जहाज बनाए। इमेजिनेशन के साथ एक स्टेप आप पीछे आ जाओ तो ज़रूरत वाली बात आ जाती है कि ज़रूरत इजाद की माँ है। इजाद ज़रूरत की माँ बन गई है कि लोगों को पहले मोबाइल, उन्होंने एग्जांपल भी दी थी लोगों को पहले मोबाइल फ़ोन की क्या ज़रूरत थी। बिल्कुल, अब मोबाइल फ़ोन इन्वेंट हो गया तो उसकी ज़रूरत भी आ गई है। बिल्कुल है, छोटे से छोटे बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन है। बिल्कुल, मतलब अब चीज़ें कुछ इस तरीके से हैं कि वो भले किसी मकसद के तहत ईजाद ना हुई हो वो ईजाद हो जाती हैं और इवेंचुअली आपकी ज़रूरत बन जाती है। आजकल दुनिया में कोई भी चीज़ ईजाद हो उसकी ज़रूरत बन ही जाती है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक मैनेजमेंट क्वालिटी है कि अब कि जो एक मैनेजर होता है कि जैसे कि हमारी कंपनी है, हम उसके हर डिपार्टमेंट का अलग मैनेजर रखते हैं। बिल्कुल, उस मैनेजर का काम ये नहीं होता कि कंपनी कैसे आगे बढ़ानी है, उसका काम ये होगा कि उसके जो स्टाफ है उसके अंडर उसको कंट्रोल कैसे करना है, उससे जो काम उसको जो मैनेजर को टास्क मिला है वो मैनेजर का जो टास्क मैनेजर को मिला है वो अपने स्टाफ को कैसे यूज करेगा वो टास्क पूरा करने के लिए। एग्जैक्टली, अब मैनेजर सिर्फ एक, और जो लीडर होता है उसका काम क्या होता है, वो पूरी कंपनी को साथ आगे बढ़ा रहा होता है, ग्रो करना होता है उसने कंपनी को। बिल्कुल, जो लीडर होता है वो एक रास्ता बनाता है, वो सिर्फ एक रास्ता और सिर्फ एक रास्ता नहीं बनाता, वो ये सोचता है कि अगर इस रास्ते का जो एंड पॉइंट है क्या ये मेरी कंपनी के लिए सही होगा या नहीं होगा, या मैं इस कंपनी को लेके ले डूबूंगा या बिल गेट्स की तरह माइक्रोसॉफ्ट बना लूँगा। यानी कि जो क्रिटिकल डिसीजंस हैं वो लेने वाले और इवेंचुअली उनको राइट प्रूफ करने वाले लीडर्स होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और इवेंट और ऑफ कोर्स वो लोग अपना एंड सोचकर कोई भी चीज़ की बिगिनिंग करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो जी ये थी हमारी सेकंड हैबिट टू बिगिन विद एंड इन माइंड, राइट। तो सब ये बताएं हमें थर्ड हैबिट के बारे में। जो थर्ड हैबिट है ये है कि पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि हमें जो भी काम जो हमारे लिए ज़रूरी है ना हमें उन चीज़ों को पहले करना है, ना कि जो हमारी अर्जेंसी के बेस पर हो। बिल्कुल, इसमें एक एग्जांपल देकर भी बताया है कि वी शुड हैव द विल पावर टू डू द स्टफ दैट वी डोंट वांट टू डू, कि हमें वो काम करना है जिसके हमें चाहत ना हो करने की। बिल्कुल, प्रायोरिटाइज करना है, यानी कि हमारा जो भी शेड्यूल है बिल्कुल ऐसे ही प्रायोरिटाइज करें, जिस चीज़ को पहले करना है उसको पहले करें भले। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें आपके पास अर्जेंसी होती है, आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ जाते हैं जिसकी वजह से आपका जो शेड्यूल बना हुआ है आप वो अर्जेंसी जो है ना वो हम दूसरों को, वो अर्जेंसी हम तब बनाते हैं जब हम दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अगर मेरे मैं वो आपको एग्जाम्पल देकर बता दूँ कि अगर मेरे मैनेजर ने मुझे कोई डेडलाइन दी हुई काम करने की, मेरे लिए वो अर्जेंट है कि मैंने इस टाइम के अंदर, वो टाइम फ्रेम है, मैंने उसके अंदर कंप्लीट करके देना है, मेरी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक है उसका, मैं कैसे ग्रोऊंगा उससे, इससे कोई हैबिट तो नहीं है ना मेरी, वो अर्जेंसी है मेरी। एग्जैक्टली, मगर एक मतलब जो भी जॉब कर रहा है उसको करना तो पड़ेगा ना। वो बिल्कुल ऐसा ही है, वो करना उस अर्जेंसी को, और आप जो कह रहे हो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हाँ, इसको कैसे मैनेज किया जाए वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमें अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ बनानी है। बिल्कुल, कि अगर हमारी जॉब है
हमारी फैमिलीज भी हैं। बिल्कुल, कि हमें अगर अपनी जॉब को टाइम देना है तो हमें हमारी फैमिलीज भी तो हैं, उनको भी टाइम देना है। एग्जैक्टली, हमें अपनी स्केड्यूल जो है हमारा उसको डिवाइड करना पड़ेगा। 24 आवर्स को हमारे अगर 8 घंटे हम काम को देते हैं तो हमारे 5 घंटे फैमिली के लिए भी होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। 3 घंटे हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी होने चाहिए कि हम खुद को कैसे ग्रो करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो यानी कि एक बार अगर आपने अपना एक शेड्यूल बनाया है लाइफ का, तो उसके अंदर जिस तरीके से आपने चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर दिया, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट शुड बी एग्जीक्यूटेड। जी, ये थी हमारी थर्ड हैबिट फ्रॉम दी हैबिट्स ऑफ मोस्ट इफेक्टिव पीपल।